ये प्राइवेट सब फार्म है लोग का, और ये सामने ही से आपको एप्पल दिखना चालू हो जाएंगे। ये सारे पेड़ में एप्पल लगे हुए हैं, ये देखिए भाई एप्पल्स। ये थोड़ा सा अभी आपका लाइट का प्रॉब्लम है। हम लोग पहुंच गए हैं पहलगाम और रूम खोज रहे हैं होटल लेने के लिए। पहुंच गए बेताब वैली, ये एंट्री है, यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट कटाना पड़ता है। ये रास्ता जो किया ये चंदनवाड़ी को किया, चंदनवाड़ी यहाँ से और 16 किलोमीटर। गोदी में नहीं बिठाना है वसीम। नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है अपना तीसरा दिन यहाँ का, कश्मीर का, और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। और यहाँ से नियर अबाउट डिस्टेंस है 56-58 किलोमीटर, और टाइम लगने वाला है 2 घंटा 2.25 घंटा, ऐसे गूगल दिखा रहा था, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और वहाँ जाके हम लोग वहाँ का जो स्पॉट है, चंदनवाड़ी हो गया, आपका ताब वैली है, आरू वैली है, ये सब एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि और भी कोई जगह है या नहीं है, क्योंकि पहला बार जा रहा हूँ, पता नहीं है। और वहाँ जाके फिर एक रूम लेना है, क्योंकि आज रात को वहाँ स्टे करने का प्लान है। तो चलिए, अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं किया, अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो 7:30 बजे यहाँ कुछ मिलता नहीं है। देखते हैं आगे कुछ अगर मिला तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, रिफ्यूलिंग भी करवाना है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी लेना है, तो वो लेके फिर निकलेंगे। और एक बार डल लेक का नज़ारा सुबह सुबह देख लिया। होटल लिए थे, होटल सेनोरिटा, घाट नंबर 11 के ऑपोजिट में है। और यहाँ पे इन लोग का पार्किंग है, मतलब इन लोग का इस जॉइंट प्रॉपर्टीज है ऐसा कुछ, यहाँ पर इन लोग का सब जॉइंट पार्किंग होता है, लेकिन ये प्राइवेट है। गेट भी अभी लग गया है, हम जब आए थे तब गेट नहीं था, कल ही लगा है ये। तो ये अपना गाड़ी खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से आप गाड़ी रख सकते हैं। और इनका रूम का जो है नंबर मैं दे दूंगा, आके ठहर सकते हैं। ये रूम मुझे पड़ा था 2000 रुपये करके पर डे, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, नहीं तो अभी सीज़न रहने से करीबन 4-4.5 हज़ार रुपया, डिपेंड करता है इन लोग के ऊपर ये कितना मांग बैठे। तो ये मैं फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग अगर आते हैं तो एक बार देख सकते हैं। यहाँ सब सामान रेडी हो गया है, उधर बैग वैग ले गए, अब निकलते हैं यहाँ से। आप लोग को रूम दिखा देते हैं, ये था बेड अपना, और ये सामने से डल लेक का व्यू रहता था पूरा, ये खिड़की खोलने से सामने डल लेक। और अच्छा खासा, अभी शायद नए ये बना हुआ, कुछ महीने हो गए होंगे, एक साल। आपको ये वॉशरूम दिखाते हैं, काफ़ी बड़ा। सबसे बड़ा चीज़, गर्म पानी का आपको तकलीफ नहीं होगा, सबसे बड़ा गीज़र है एकदम, ये देखिए नीट एंड क्लीन, बड़ा है लेकिन। तो चलिए भाई चलते हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। बिस्मिल्लाह। आज का दिन का पहला रिफ्यूलिंग चल रहा है भाई पीछे। हेलो, ये है न्यू कृष्णा वैष्णवी ढाबा, आके आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खाना है, अच्छा ब्रेकफास्ट खाना, सब कुछ मिल जाएगा। और ये आपका डल लेक के एक नंबर गेट से आप सीधा जब आइएगा, मेन रोड जो कनेक्टिंग होता है वहाँ से आपको लेफ्ट पकड़ के आना है। ये पारस हेल्थ केयर है, इसके ऑपोजिट में है ये न्यू कृष्णा ढाबा। पराठा हम लोग खाए थे कल, और आज यहाँ खा रहे हैं आपका कृष्णा वैष्णवी भोजनालय में। तो डिफरेंस कितना है यार, वो तो कल दिखाने लायक नहीं था, आज अच्छा है बोल के दिखाने लायक, देख के अच्छा लग रहा था। और वो दही भी है साथ में, हम ऑर्डर दिए मिक्स कुर्ता पर, ये अच्छा है कल से। लेकिन यहाँ पर ही जो बना के दिया इस तरह सब्जी, मैंने अंदर में
स्टफिंग टाइप का लग रहा है, और हम लोग का तरह हम मिलता है ऊपर रहता है। यह भी बना है लोग छत में देख रहे हैं सूख रहा है लकड़ी, ये लकड़ी बैट बनता है इससे, क्रिकेट बैट। ये जितना छत में अभी आपको सूखता हुआ दिखेगा वुड, ये सब सारा बैट बनता है। पहलगाम के रास्ते में है और यहाँ हम रहता है तो बागान रहता है। आप लोग को चलिए एप्पल का बागान में लेके चलते हैं, एप्पल ट्री दिखाते हैं, एप्पल्स भी दिखाते हैं। तो चलिए एप्पल ट्री देखते हैं। ये प्राइवेट सब फार्म है लोग का, और ये सामने ही से आपको एप्पल दिखना चालू हो जाएंगे। ये सारे पेड़ में एप्पल लगे हुए हैं, कुछ पके हुए हैं कुछ नहीं पके हुए, पकना चालू हो गया। तो चलिए अंदर चलते हैं, आइए। ये देखिए ये सारा, ये कौन सा एप्पल है? ये डेलिशियस एप्पल है सर, गोल्डन एप्पल। गोल्डन कौन सा? गोल्डन एप्पल। ये गोल्डन एप्पल है, गोल्डन एप्पल। ये रेड है सर, ये रेड है ना, ये अभी पके हुए हैं क्या? हाँ पूरे पके हैं सर, पूरे रेड एप्पल है सर। अब अभी आपका आपको दिखा देंगे सर, अभी जूस बना रहे हैं हम सर, रेड एप्पल का। तो ये लोग रेड एप्पल का जूस बना रहे हैं, वो देखा फ्रेश जूस, ये देखो सर इसमें डालते हैं, ये रेड एप्पल का जूस बनता है सर। ये रेड एप्पल का है ना, आप पूरा गार्डन घूम सकते हैं सर, आपका अपना बगीचा है। कहाँ से हो सर? हम लोग को टेस्ट करने के लिए दिया है एप्पल जूस। ये देखिए भाई एप्पल्स, ये थोड़ा सा अभी आपका लाइट का प्रॉब्लम है क्योंकि सनलाइट ऊपर से है ना, इसलिए ये सारे एप्पल्स हैं। आप पूरा जहाँ तक आप देख सकिए कि एप्पल ट्री भरा हुआ है, और वहाँ पे कुछ वो रॉटन एप्पल से ख़राब हो गया बोल के, वो सड़ गए ना, वो सड़ गया बोल के ऐसे नीचे पड़ा हुआ। ये देखिए इतना नीचे नीचे भाई, देखना पड़ लेना पकड़ सकते हैं। ये देखिए इतना नीचे, पहला बार इतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं एप्पल ट्री, और एप्पल ऐसा पकड़ के, ऐसे तो देखते थे खाली खा रहे हैं वही खाली करना पड़ता था। तो ये अभी एक अलग एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, विजिटिंग द एप्पल ट्री गार्डन। इतना अच्छा लग रहा हाथ देने में, मज़ा आ रहा, पूरा ही गार्डन है पूरा। और कितना हाइट, कितना पेड़ का कितना नीचे है देखिए, मेरा आराम से यहाँ तक हाथ चले जाएगा, मेरे यहाँ वहाँ यहाँ तक पूरा हाथ चले जाएगा जितना नीचे में। ये कितना नीचे है देखिए, कितना नीचे, एकदम नीचे में। ये देखिए भाई जहाँ तक आप देखिएगा वो एप्पल गार्डन है। ये एप्पल जैम है, अच्छा ये एप्पल पिकल है, अच्छा ये लोटस पिकल है नदरू का, हाँ नदरू का, और ये केसर का है। सबसे अच्छा रहता है ये एप्पल पिकल का, सबसे अच्छा रहता है यही, अच्छा एप्पल की ही। ये आप लोग खुद बना साल तक रहता है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है रेड एप्पल्स की उन्हीं का बनता है सर ये। रुक जाए बंद, ये पूरा डिलीशियस पूरे साल तक रहता है सर ये, अभी हम आपको टेस्ट कराएंगे सर। ये इसका नाम है डिलीशियस, ये रेड होती है पूरा। सब इतना एप्पल देख के पहला बार ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा लगा। होप करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए
अभी इसमें बता रहे कि थोड़े दिन में ये लाल हो जाएंगे, पूरा रेड हो जाएंगे। ये अभी कुछ रेड कुछ ग्रीन वैसे ही है। देखिए आप लोग को एप्पल गार्डन अच्छा लगा होगा, यहाँ पर अभी 2 किलोमीटर तक एप्पल गार्डन नहीं मिलेंगे, और भी कोई अच्छा लगेगा दिखेगा तो हम लोग जाएंगे। मेरा लेफ्ट में जो आप देख सकते हो ये सारा एप्पल ट्री है, इधर से पूरा एप्पल ट्री 2 किलोमीटर तक का आपको ऐसा ही मिलेगा एप्पल ट्री का गार्डन। भाई ये हम लोग एक रिवर स्ट्रीम क्रॉस कर रहे थे, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ। पहलगाम टोल प्लाजा एंटर हो गए हैं और 3 किलोमीटर में हम लोग पहलगाम पहुंच जाएंगे, और जो नज़ारा दिख रहा है और आप लोग को दिखाया बहुत ही बढ़िया। ये भाई मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रिवर बह रहा है, पानी का कलर देख के दिल खुश हो जा रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पहलगाम और रूम खोज रहे हैं होटल लेने के लिए कि रूम ले लेते हैं, उसके बाद सामान रख के यहाँ से जो यहाँ का जो साइट सीन है या जो बोलिए पॉइंट्स है, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, यहाँ निकले। अभी बज गया 12:30, रूम लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद यहाँ से जो निकलने का है, जो जगह जाने बताया आपको जहाँ जहाँ जाने का है तो वहाँ चलते हैं। और यहाँ आके तो भाई पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, डल लेक के पास श्रीनगर में जो था यहाँ तो और भी अलग ही है, नेक्स्ट लेवल। देखिए पूरा रिवर स्ट्रीम बह रहा है, एकदम टर्कोइज ग्रीन कलर का पानी है इसमें, और इस तरफ सामने वैली का नज़ारा, अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग। पहुंच गया है अपना रूम में और रूम ले लिया है, और ये एंट्री करके सामने नज़ारा देखो, ये बेड है, टीवी लगा हुआ नहीं, लगा कुछ प्रॉब्लम चला था बोल के उतार दिया। सामने से व्यू चेक कीजिए, आपको पानी का आवाज़ तो आता ही होगा, सामने से रिवर बह रहा है पूरा। इससे बैल्कनी है, आप बाहर जा सकते हैं, गेट खोल के बाहर जाके यहाँ पे आप बैठ सकते हैं और आराम से व्यू का मज़ा ले सकते हैं। पार्किंग एरिया इन लोग का सामने में है, एंट्री में ही, एंट्रेंस में सामने में है, और ये आपका व्यू है। अब नीचे किचन है इन लोग का, और उस तरफ किचन है, इस तरफ डाइनिंग एरिया है, रेस्टोरेंट है। ये देखिए भाई अब सामने से व्यू पूरा, बाहर निकले हैं तो इसीलिए सोचा कि एक बार व्यू यहाँ से दिखा देते हैं। ये इन लोग का पूरा गार्डन एरिया है, यहाँ रिवर स्ट्रीम बह रहा है, उस तरफ से भी बह रहा है, ये छोटा नाला टाइप का। ये इन लोग का किचन, किचन बोला यार, रेस्टोरेंट है। यहाँ से आप व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं खाते खाते। हम लोग ने ऑर्डर दिया था दम आलू और रोटी और ये सलाद ऑनियन वाला, तो ये यहाँ से फटाफट खा के फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। चाट मसाला है। अभी अपना लंच तो हो गया और यहाँ से अभी निकलेंगे बेताब वैली और चंदनवाड़ी के लिए, देखते हैं कितना क्या कवर पाएंगे, कितना क्या कवर हो पाएगा देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को भी दिखाते हैं।
देखिए चचा को, चचा भेड़। ओ चचा, भेड़ों का झुंड, भेड़ नहीं है सॉरी बकरियों का झुंड। बाप रे बाप, ओ चचा क्या डेंजरस डेंजरस सबका सीन है यार। अरे बाप देख ले, लग रहा रौन देगा आके यहीं पर ही। बाप रे इतना बकरी बकरी, ओ चचा, ओ चचा सब है यार। ओ चचा मी 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 पहुंच गया बेताब वैली। यह एंट्री है, यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट कटाना पड़ता है। कितना टिकट लेते हैं वो बताते हैं आप लोग को, और फिर अंदर जाके दिखाते हैं बेताब वैली। ये है भाई बेताब वैली का गेट, ये है टिकट काउंटर, और यहाँ पर ही है एंट्री 100 रुपये करके। चाइल्ड 6 to 12 50, ये थोड़ा महंगा है। ये है गेट, यहाँ से एंट्री करना पड़ता है। ये पार्किंग लॉट है सारा। ये हम लोग अब अंदर एंट्री कर चुके हैं बेताब वैली का। और ये बेताब वैली नाम कैसा पड़ा भाई? बेताब पिक्चर सनी देओल और अमृता सिंह का जो शूटिंग हुआ था, सनी देओल और अमृता सिंह का एक पिक्चर आया था बेताब, तो वो इस जगह शूटिंग हुआ था। वही शूटिंग वही पिक्चर का नाम से ये बेताब वैली नाम रखा गया, उसके बाद से ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया। और ये भाई रिवर बेड में जो पानी आ रहा है देखने लायक है, देखने लायक है, पिक्चरिस्टिक पूरा लग रहा है एकदम, बहुत खूबसूरत ये वैली। घूमने फिरने में क्या है कि अगर मौसम साथ दे दे तो मजा ही आ जाए। कड़ा धूप निकला हुआ है, मजा ही किरकिरा हो यार। एक थोड़ा सा हल्का हल्का सा धूप कम रहे, थोड़ा तपिश कम रहे तो और मजा आ रहा। घूमने में का तो यही मजा है कि आप अपना कंफर्ट जोन में रहोगे तो और अच्छा घूमने लगेगा। ये एक कैफेटेरिया टाइप का है या कैंटीन बोलिए जो भी बोलिए, यहाँ पे कुछ आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। और उस तरफ सारा पोनीज है, पोनीज का राइड करवाते हैं। क्या 6 पॉइंट बोल रहे हैं वो, 6 पॉइंट घुमाते हैं, मुझे नहीं पता। ये पूरा बेताब वैली के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए सारे लोकल टूरिस्ट टूरिस्ट भी है, अभी एंजॉय कर रहे हैं बेताब वैली को। रिवर बेड है, सब जाके फोटो खींचे। ये माउंटेन पीक देखिए भाई, काफी सुंदर। ये रास्ता जो किया ये चंदनवाड़ी को किया, चंदनवाड़ी यहाँ से और 16 किलोमीटर है। यहाँ पर ही देखो कैसे आदमी यहाँ का लोकल से एंजॉय कर रहे हैं। रिवर बेड यहाँ पर ही का पानी काफी कम है, और ये रिवर का देखो झमेला हो गया, झमेला हो गया। मैं आपको स्ट्रीम दिखा रहा नदी का, वो वहाँ से इसका सोर्स है, वहाँ से आ रहा है। अभी हम उतर गए हैं रिवर में, पूरा रिवर बेड के पास से रिवर में पूरा उतर गए। पानी काफी ठंडा पाव में, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यहाँ भी आदमी लोग भी नहा रहे हैं, साबुन बराबर साबुन शैम्पू लेके नहा रहे हैं।
आप लोग को बेताब वैली देख के अच्छा लगा होगा। और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे चंदनवाड़ी, मेरे पीछे देख सकते हैं कपल सब कोई इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी थोड़ा गए थे वहाँ नीचे में, आप लोगों को तो वीडियो में दिख गया होगा, थोड़ा नीचे उतरे, पानी बहुत ठंडा था, मज़ा आया। लेकिन अगर पोनी राइड अगर करिएगा तो पोनी वहाँ से लेके आपका पूरा पीछे साइड से घुमा के एक वाटर स्ट्रीम आ रहा है, वहाँ से लोग नीचे ले उतारता है। ओवरऑल अच्छा लगा आके, खूबसूरत। अभी यहाँ से चलते हैं चंदनवाड़ी के लिए, यहाँ से करीबन अप्रॉक्स 16 किलोमीटर है। और यहाँ पर ही देखिए बेताब वैली बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पे आते हैं लोग फोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, तो एक फ़ोटो खींच लेते हैं। ये वो टूरिस्ट सब पोनी राइड करके वहाँ पोनी रुक गया, बाकी सब पैदल आ रहे हैं। देखिए पे करीबन अगर पोनी राइड कीजिएगा तो लोग बोलते हैं 6-7 पॉइंट रहता है, और लोग दिखाते हैं पोनी राइड करके लोग आ सकते हैं। 300-400 रुपये लेता है एक एक पोनी का। इसके लिए थोड़ा टाइम लेके आइएगा, हम लोग का टाइम का कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये क्या है, एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट बना हुआ, ये जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं जो अच्छा लगेगा। एक बेताब वैली है, अब आदमी को क्या समझ में आएगा बेताब वैली, कल ये वैली है। लेकिन अब पोनी राइड जो कीजिएगा उसमें क्या है कि ये लोग लोकल्स हैं, थोड़ा बहुत जो अच्छा स्पॉट है वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ आपको लेके जाके दिखाएंगे। तो ये अपना मिस हो गया, लेकिन कोई नहीं, एक बार में सब कवर कभी कोई नहीं कर सका, ना हम कर सकेंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया। इस बताना भूल गया कि अगर आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल में करीबन 1.5-2 घंटा लग जाएगा। दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन स्पॉट है, तो ये एक तो दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पोनी में जा सकेगा, और वो हैंड रिक्शा टाइप का ट्रॉली एक मिलता है आगे, वो आपको दिखा देंगे, वो भी जाता है, तो उसका चार्जेस मुझे पता नहीं है। लेकिन पोनी का ये 500-600 बोलते हैं, या 1000-2000, जिसको जैसा समझते हैं वो बोल देते हैं। तो आप लोग आइए तो बार्गेन ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये ऐसा ट्रॉली में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बेताब वैली को, आपको ऐसा ट्रॉली में लेके लोग घुमाएंगे, चार्जेस लेंगे, तो आप घूम सकते हैं। पश्मीना गोट है ये पश्मीना गोट की इतनी सिंह, 4 सिंह होती है, वो तो 4 नजर आ रहा है ऐसे देख के उसे। इधर से देखो 4 लगेगा, ये देखो। अब पीछे आएंगे तो लगेगा 2, घूम गया पूरा। ये पश्मीना गोट है, तो बाप रे, देख ऐसा करके तो तुम मेरा वीडियो नहीं किया। चाची कहाँ गई चाची? अरे चाची का चश्मा चला गया। गोदी में नहीं बिठाना है वासिन, वादा।